Hello friends, let us start with the third lecture. Topic is oscillation. Let us first of all review what we did in the last couple of lectures. First day we saw the concept of SHM, that is simple harmonic motion, oscillation yani kya, phir simple harmonic motion yani kya, and so on and so forth. और कल के लेक्चर में हमने देखा एक्सप्रेशन. किसके लिए एक्सप्रेशन देखा हमने? पहले तो एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन देखा. इट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, राइट? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. कल आया था डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के शुरू के ही पार्ट में. फिर आया था वेलोसिटी वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. और आया था डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा. अब सबसे पहले आज इन सभी टर्म्स के मतलब को समझते हैं. एक्स इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. ओमेगा इज टू पाई अपॉन टी. ओमेगा इज 2 पाई अपॉन टी. रोटेशनल डायनामिक्स में देखा हुआ है. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल. बदलेगा ना डिस्प्लेसमेंट हर बार? यस. जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो, बिकॉज पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन. पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? ए. पार्टिकल लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? माइनस ए. लेकिन इसके बीच में भी पार्टिकल हो सकता है. डिस्प्लेसमेंट एक्स कैन बी बिटवीन 0 टू प्लस और माइनस ए. V is equal to omega root of a square minus x square. V is the velocity, instantaneous velocity है. ये किसी एक particular time की velocity है. Omega is 2 pi upon t root of a square minus x square. A is the amplitude and x is the displacement, right? Yeah. X is equal to a sin. ये पूरा खेल इसी के ऊपर है. X is equal to a sin of omega t plus alpha. What is x? X is the displacement at time t. इसलिए मैंने क्या बोला? Instantaneous displacement. A is the amplitude. Of course, we know it is the extreme maximum displacement from the mean position. Omega 2 pi upon t. Alpha क्या है? Alpha को समझने की कोशिश सबसे पहले होगी आज. क्योंकि बाकी टर्म तो समझ में आ गए. Acceleration omega 2 pi upon t, where t is the time taken for one. Oscillation x is the instantaneous displacement. A is the instantaneous amplitude. V is the instantaneous velocity. ये constant है. ये constant है. Amplitude. अब बाकी सब टर्म्स तो समझ में है. अल्फा क्या है? व्हाट इज अल्फा? बड़े ध्यान से समझेंगे अल्फा क्या है. अल्फा इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज. अल्फा इज कॉल्ड एज द इनिशियल फेज. व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल फेज? शुरू में पार्टिकल कहां था? जब मैंने मोशन को एनालाइज करना शुरू किया, मैंने जब सिंपल हार्मोनिक मोशन को एनालाइज करना शुरू किया तो पार्टिकल कहां था, ये अल्फा बयां करता है. उसको इनिशियल फेज कहा जाता है और ओमेगा टी प्लस अल्फा को टोटल फेज कहा जाता है. इसके कुछ बुक में नाम इसका इपॉक ऐसा भी है. सो लेट अस टॉक अबाउट अल्फा. ये बताता है कि पार्टिकल आपने मोशन एनालाइज करना शुरू किया तब कहां था. Let us talk about, मैंने मोशन एनालाइज करना शुरू किया when पार्टिकल इज एट मीन पोजिशन. मैंने मोशन एनालाइज करना शुरू किया when पार्टिकल इज एट द मीन पोजिशन. तब अल्फा क्या होगा? मैंने मोशन एनालाइज करना शुरू किया when the पार्टिकल इज एट द एक्सट्रीम पोजिशन. तब अल्फा क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे. That is what is initial phase or epoch, क्योंकि मुझे बाकी के terms मालूम है. अब इसके डिटेल में जाने वाला हूं मैं, लेकिन उससे पहले मैं इसको लिखता हूं क्योंकि कुछ लोगों का सवाल कल क्या था ये बताता हूं कि सर आपने हमको बोला कि ये हार्मोनिक मोशन है, हार्मोनिक एक्सप्रेशन चाहिए x, v और acceleration के. हार्मोनिक एक्सप्रेशन का मतलब है कि वो साइन और cos और साइन और कॉस में चाहिए. अरे ये तो है साइन और कॉस में, लेकिन लेकिन ये और ये साइन और कॉस में तो है ही नहीं. दिस आर दिस सीम्स टू बी लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. यहां जाने से पहले कल का एक सवाल लेते हैं,
ताकि हमको ये और अच्छे समझ में आए। तो वो सवाल था कि आपने बोला कि हम बात कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, ये तीनों टर्म्स को आपने बोला था कि वो साइन और कॉस में आते हैं। इसमें हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ वाकिया रखते हैं कि सही है ये, लेकिन ये दोनों जो है ये दोनों नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लगते हैं, बराबर है उनका। तो क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है? तो नहीं, ये लगते हैं कि ये नहीं है हार्मोनिक मोशन, लेकिन ये है। लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूव दैट कि ये भी साइन और कॉस वाले है। x is equal to this, इसमें किसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दोनों में प्रॉब्लम है और उनका प्रॉब्लम पहले सॉर्ट आउट करना जरूरी है। देखिएगा v क्या है, v is equal to omega root of a square minus x square। उन लोगों का कहना है कि ये algebraic expression है, मेरा कहना है दिखाई जरूर दे रहा है algebraic expression, लेकिन है trigonometric। This expression seems to be algebraic, but it is trigonometric. Let us prove that. Omega root of a square minus a square sine square omega t plus alpha. A square sine square omega t plus alpha. क्या किया है मैंने? मैंने x के जगह पे ये value substitute की है, जो है a sine of omega t plus alpha. ये हो जाएगा omega root of a square into bracket sin square omega t plus alpha. Is it okay? The answer is yes. Why? Because a square ko common nikala hai. This is omega square root of a square. What is 1 minus sin square? It is cos square omega t plus alpha. Aur iska root kya hai? To agar aapko dikhai nahi bhi de raha hai, to ye hai plus or minus a cos of omega t plus alpha, या आप उसको सिर्फ ऐसा लिखो तो भी चलेगा, a omega cos of omega t plus alpha। अरे मुझे समझ में आया, x is equal to a sin of omega t plus alpha, और v लगता है कि वो algebraic है लेकिन वो trigonometric ही है। आंसर आया, जिसको यहां नीचे का दिखाई नहीं दे रहा है उसके लिए, omega a cos of omega t plus alpha, sin cos में बैठ रहा है, हार्मोनिक मोशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, और आगे चलेंगे और इसको समझेंगे और डिटेल में जाएंगे। एक्सीलरेशन नहीं लग रहा है भाई अभी, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और सम स्टूडेंट्स विल से ये एक्सप्रेशन अलजेब्रिक है, मैं बोलूंगा ये ट्रिग्नोमेट्री की है। कैसे? तो बड़ा आसान है, x is equal to minus omega square x and x is equal to a sin of omega t plus alpha. This is a sin of omega t plus alpha. तीनों ही expression sin और cos में express कर दिए गए। x is equal to a sin of omega t plus alpha, v is equal to a omega cos of omega t plus alpha, acceleration is equal to minus omega square a sin omega t plus alpha। आपको कुछ hint जो आगे का topic चलेगा उसके बारे में नजर आ रही है क्या? देखो, जिस तरीके से मैंने लिखा है x के बाद v और v के बाद a, शायद आप में से किसी को जिसका maths बहुत strong है कुछ समझेगा। अगर वो समझ में आ जाता है तो जरूर मुझे बताइए, right? नहीं समझा तो वो आ ही जाएगा at the end of the लेसन कहीं तो भी। चलो हमारे टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलो हमारा टॉपिक क्या है भाई? हमारा टॉपिक कुछ अलग ही चल रहा था, लेकिन पहले ये लेना जरूरी है। हमारा टॉपिक चल रहा था कि अल्फा क्या है इसमें का, बाकी सभी टर्म्स का मतलब मुझे कुछ हद तक जरूर समझ में आया है, लेकिन मुझे अल्फा का मतलब ठीक से नहीं समझ में आया है। अल्फा है इनिशियल फेज या ईपॉक, और ओमेगा टी प्लस अल्फा को कहा जाता है टोटल फेज, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या है अल्फा। तो बात करते हैं अल्फा की समझने के लिए। व्हेन द पार्टिकल इज एट द मीन पोजीशन, व्हेन द पार्ट दैट इज एट t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 अगर है,
जब मैंने मोशन को एनालाइज करना शुरू किया, तब अगर पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो t is equal to 0 पे x is equal to 0 है, तब क्या होगा? x is equal to a sin of omega t plus alpha x 0 a sin of omega into 0 plus alpha 0 is equal to a sin of alpha. Amplitude is definitely not 0, so 0 is equal to sin alpha, alpha is equal to sin inverse of 0, which is equal to 0 or pi or 2 pi, इतना नहीं लिखेंगे, it will be equal to 0 or pi बोलेंगे, चलो सिर्फ alpha is equal to 0 or pi. क्या है ये, क्या है ये और इसका मतलब क्या है, इसको समझने के लिए हम बात करते हैं. एक पार्टिकल जो SHM कर रहा है, ये उसका MP है, ये उसका राइट एक्सट्रीम पोजीशन है और ये उसका लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन है. पार्टिकल यहां है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 और वो यहां मूव कर रहा है. वो किस दिशा में जा रहा है ये अल्फा तय करेगा. अगर अल्फा 0 आता है तो मीन पोजीशन से पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन के दिशा में मूव कर रहा है, जबकि अगर पाई आता है तो पार्टिकल मीन पोजीशन से लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ अल्फा मूव कर रहा है. अल्फा बताता है कौन से दिशा में पार्टिकल जाएगा. यहां पे अल्फा इज इक्वल टू 0 और पाई, ये दोनों का मतलब है अल्फा 0 है, अल्फा की वैल्यू यहां बढ़ने वाली है और वो 0 से ज्यादा होने वाली है. अल्फा की वैल्यू यहां पाई है, लेफ्ट की तरफ जाने वाला है, बढ़ने वाला. ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़िए. 0 कैसे आया, तो sin इनवर्स ऑफ अल्फा इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 0, sin इनवर्स ऑफ या अल्फा इज इक्वल टू 0 तो sin ऑफ अल्फा 0 है, sin ऑफ पाई भी 0 है. ये इतना सिंपल मैथमेटिक्स है उसका. अल्फा 0 है ये मुझे समझा. अगर पार्टिकल अल्फा 0 है, सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे अज्यूम करेंगे फिलहाल, तो इसमें की सिर्फ ये केस अगर मैं डिटेल में जाना चाहूं, पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होके पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो अल्फा 0 है, और पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होते हुए नेगेटिव डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो अल्फा पाई है. अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से शुरू होते हुए पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी की तरफ जा रहा है यहां पे, तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन. लेट अस चेक दैट आउट. ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा बिकम्स x इज इक्वल टू a sin ऑफ ओमेगा t. क्यों? अरे भाई सिंपल है, अल्फा 0 हो गया, इज इट ओके. देन v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा बिकम्स, क्या बिकम्स? v इज इक्वल टू a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t. क्यों? क्योंकि भाई अल्फा 0 है. एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा बिकम्स, क्या बिकम्स? एक्सीलरेशन इज माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ऑफ ओमेगा t, sin ऑफ ओमेगा t. तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, अगर अल्फा 0 है पार्टिकल मीन पोजीशन से राइट एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो ये जनरल इक्वेशंस जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे इन इक्वेशंस में. x is equal to a sin of omega t, v is equal to a omega cos of omega t, and acceleration is minus a omega square sin of omega t, right? So let us check that out. When the particle starts its motion from the extreme position, राइट एक्सट्रीम लेते हैं, अगर पार्टिकल अपना मोशन राइट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है
तो क्या बदलाव आएगा अगर पार्टिकल अपना मोशन राइट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है. व्हेन पार्टिकल इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, राइट एक्सट्रीम लिखना जरूरी है क्या? तो ठीक है लिखते हैं, क्योंकि लेफ्ट एक्सट्रीम होता है तो माइनस लेते हैं. राइट एक्सट्रीम पोजीशन, लेफ्ट एक्सट्रीम होता है तो हम एक्स इज इक्वल टू पोजीशन, दैट इज एट इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू प्लस ए लिखेंगे. अगर लेफ्ट एक्सट्रीम लेते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस ए. When particle is at right extreme position, that is at t is equal to 0. जब मैंने motion analyze करना शुरू किया, तो particle right extreme position पे था, x is equal to plus a. अगर आपको left extreme लेना है, तो take it minus a, no problem. Text में plus a करके ही दिया है, इसलिए we are going ahead with this. कैसे बात करेंगे, कैसे काम करेंगे? Let us check that out. When we analyze, yes, start analyzing the motion of the particle, if it is at the extreme position, the right extreme position, at t is equal to 0, x is equal to a, so the equation x is equal to a sine of omega t plus alpha becomes, x ke jagah kya lo, a is equal to a sine of omega into 0 plus alpha, ye cut ho gaya, 1 is equal to sin of alpha, alpha is equal to sin inverse of 1. अरे भाई sin inverse of 1 कितना होता है? अरे alpha will be equal to pi by 2, 3 pi by 2 पे minus 1 आएगा, यानी मुझे समझा, अगर x is equal to minus a लेता मैं, तो यहाँ पे minus 1 is equal to sin alpha आता, नतीजन alpha is equal to pi by 2 के साथ क्या आता? 3 pi by 2 भी आता, लेकिन यहाँ 1 है, 3 pi by 2 नहीं लिख रहा हूं. अगर आपको इसके आगे की वैल्यू लिखनी है, ट्रिग्नोमेट्री से आपको समझ में आएगा वो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू होनी चाहिए 5 pi by 2, राइट? फाइन, चलिए आगे चलते हैं. मुझे समझा कि अगर पार्टिकल राइट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है तो एट t is equal to 0, x is equal to plus a एंड अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2, अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 2. पार्टिकल अगर लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू कर रहा है तो एट t is equal to 0, x is equal to minus a एंड अल्फा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 2. नाउ लेट अस गेट अराउंड विद द थ्री एक्सप्रेशंस, दीस थ्री एक्सप्रेशंस, x is equal to a sin of omega t plus alpha becomes कब? When the particle starts from the right extreme position, x is equal to a sin of omega t plus pi by 2. Sin a cos b 0, cos a sin b, x is equal to a cos of omega t. क्या इस्तेमाल किया बच्चों? जिन लोगों का मैथ्स नहीं है उनके लिए फॉर्मूला, sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin a cos b, cos of pi by 2 0 होता है, plus cos a sin b, sin of pi by 2 1 होता है. So equation of motion हो जाएगा, x is equal to a cos of omega t, v is equal to a omega cos of omega t plus alpha becomes, क्या हो गया ये? v is equal to a omega cos of omega into 0 plus pi by 2. अरे बराबर है क्या? अरे तो हो गया ना, तो हमको क्या करना है? सिर्फ alpha के जगह pi by 2 सब्स्टिट्यूट करना है ना. तो ये omega t a omega cos of omega t plus pi by 2, v is equal to a omega cos of a plus b, cos a cos b 0, cos a cos b 0 minus sin a sin b minus sin a sin b, sin of omega t sin of pi by 2 बराबर, ये minus sin इधर, so ये हो गया v is equal to minus a omega, ये हो गया v is equal to minus a omega sin of omega t. खत्म करते हैं बात को. acceleration is equal to minus a omega square sin of omega t plus alpha becomes minus a omega square
साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन माइनस ए ओमेगा स्क्वायर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉस ऑफ ओमेगा टी। आज हमको 9 रिजल्ट कम से कम याद रखने, सबको रिवाइज कर दे, आखिरी 4 मिनट सबको रिवाइज कर देंगे। डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हर बार वही है, क्या है, x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशंस, वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और वेलोसिटी इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। एक्सीलरेशन के लिए दो एक्सप्रेशंस, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा। सब लिख लेना है, डिस्प्लेसमेंट का एक एक्सप्रेशन, वेलोसिटी के दो एक्सप्रेशन, एक्सीलरेशन के दो एक्सप्रेशन, हो गए 5 इक्वेशंस, 6 अभी। When the particle starts its motion from mean position, when the particle starts its motion from the mean position, alpha is equal to 0, so x is equal to a sin of omega t, v is equal to a omega cos of omega t, and acceleration is equal to minus a omega square sin of omega t. आखिरी तीन expressions. Expression for displacement, velocity and acceleration when the particle starts its motion from the right extreme position, substituting alpha is equal to pi by 2. Expression x is equal to a cos of omega t, v is equal to minus a omega sin of omega t, or acceleration is equal to minus a omega square cos of omega t. 5, 6, मैंने 9 बोला था, 11 हो गई है। वेरी सिंपल एक्सप्रेशंस याद रखना बहुत जरूरी है, ये पूरे लेसन का, मैथमेटिक्स का कोर है जो आज हमने किया है। वो ये सभी एक्सप्रेशंस को वापस एक बार रिवाइज करके रुक जाएंगे। 5 एक्सप्रेशंस, x is equal to a sin of omega t, v is equal to omega root of a square minus x square, v is equal to a omega cos of omega t, acceleration is equal to minus omega square x minus omega square into a sin of omega t plus alpha, khatam 5। Displacement, velocity, acceleration when the particle starts its motion from the mean position, x is equal to a sin of omega t, क्योंकि alpha 0 है, v is equal to a omega cos of omega t, and acceleration is equal to minus a omega square sin of omega t, और ये तीन, displacement x is equal to a cos of omega t, velocity v is equal to minus a omega sin of omega t, और acceleration minus a omega square cos of omega t, ये सभी एक्सप्रेशंस को कैटेगराइज करके एक पेज पे लिख के उसको आपको कल तक याद करने हैं। कल हम शुरू करेंगे इसके फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड के टर्म्स को समझते हुए। कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेना है, ग्राफ्स ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, राइट। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस प्रॉपरली, एंड I don't know whether you have subscribed to the channel Ideal Coaching Classes Nasik Road or not as yet, but we are going to start with some live YouTube lectures. I want you to subscribe for the same so that you get the notifications. So again, I am requesting all of you to subscribe to the channel Ideal Coaching Classes Nasik Road, and of course you have to hit that bell button so that you get the notifications of the lectures. और आपके 12th के एग्जाम के बाद भी अगर कुछ वेबिनार्स और कुछ अरेंज किए जाते हैं तो वो उसी के ऊपर होंगे। सो मेक श्योर यू आर डूइंग इट। फॉर द टाइमिंग वी स्टॉप। थैंक यू सो मच।